वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरी एक स्टूडेंट है जिनका नाम है श्रीजता। इन्होंने इस बार रैंक लाया है दिसंबर 2023 में। 95 AIR इनका आया है JRF में। आज ये हमारे साथ अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल श्रीजता, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। गुड इवनिंग मैम और गुड इवनिंग फ्रेंड्स और दोस्तों, सब कैसे हो? तब बहुत अच्छे हैं, आई होप सब अच्छे होंगे तब बहुत और बढ़िया है। पढ़ाई कर रहे होंगे। डेफिनेटली आपका जो इतना अच्छा रिजल्ट है, इससे बहुत खुशी हो रही है श्रीजता मुझे। और आपकी फैमिली का कैसा था, जो आपका रिस्पांस कैसा था, आपका खुद को कैसा लगा था जब आपने देखा था 99.5% आपकी आई और इतनी अच्छी रैंक आई है, तो क्या रिस्पॉन्स था आपका? थैंक यू मैम। मैं जब देखा था वो परसेंटेज, मैंने मम्मी को बुलाई और बार बार उनसे चेक कराया कि देखो ये है कि नहीं। फिर मम्मी ने कहा हाँ, तुम पागलों की जैसा क्यों कर रहे हो, यही लिखा है। तब मैं श्योर हुआ कि हाँ इतना परसेंटेज ही आया है। मम्मी खुश थी पर रिजल्ट निकलने के बाद अब ज्यादा खुश है। अब ज्यादा खुश है डेफिनेटली कि CSIR इतने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं और उसमें इतनी अच्छी रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे, जो इतना एक बोल सकते हैं बहुत टफ एग्जाम है CSIR बायोलॉजी के फील्ड में देखे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी रिसर्च की चीजें पूछी जाती है, उसमें आपने इतना अच्छा रैंक निकाला है। तो आप ये बता सकते हैं आपका कौन सा शिफ्ट था और रॉ स्कोर कितना था श्रीजता आपका? मैम मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था और मेरा रॉ स्कोर 118 था। 118 था आपका। ओके, हाँ वेरी गुड श्रीजता। सो आप ये बताएंगे कि श्रीजता अभी आप क्या करते हो, आपने MSc कर ली है क्या, आप क्या करते हो फिलहाल? अच्छा मैम, मैंने MSc कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ही किया है और उसके बाद मैं दिल्ली के जो TEHSTI है उसमें एक प्रोजेक्ट में भी काम किया था। अभी घर में ही हूँ, प्रिपरेशन किया 9 मंथ से और CSIR तो हो गया। इसके बाद और कुछ करने का मन है, मतलब अब इंस्टीट्यूट ढूंढूंगा और उसमें एडमिशन लूंगी, यही करना है। तो तुम 9 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे थे CSIR की। हाँ मैम, मैं लास्ट अप्रैल से स्टार्ट किया और जून में तो ऐसे कुछ भी नहीं हुआ मेरा, मतलब थोड़ा सा ही हुआ था और इस बार तो ठीक से हो गया। इस बार तो बहुत ही अच्छा हो गया, 99.5% निकाल ली, तो इस बार तो बहुत ही अच्छा हो गया। सो आपने CSIR की प्रिपरेशन क्यों शुरू की थी, कहीं से कुछ मोटिवेशन मिला था, किसी ने कुछ बताया था आपको? एक्चुअली मैम, मैं जब नीट में अपीयर किया था 12th के बाद, तब मेरा कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट के वजह से नहीं हुआ था डॉक्टरी में। मेरा रैंक आया था पर मैं एडमिशन नहीं ले पाई थी, तो मेरी पापा की बहुत मतलब विश था कि मेरे नाम जो है उसकी पहले डॉक्टर हो। तो इसीलिए मैं बहुत मतलब CSIR देने के लिए बहुत ही बेचैन थी, क्योंकि CSIR नहीं निकालेंगे तो PhD नहीं होगा, फेलोशिप नहीं मिलेगा, ये सब। तो इसलिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। ये बहुत फैसिनेटिंग सी स्टोरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो PhD, जिनका बहुत मन होता है ताकि डॉक्टर श्रीजता यहाँ पे लिखी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मन होता है इस तरीके से। सो श्रीजता आप ये बताएंगे कि आपने तैयारी की शुरुआत कैसे की थी, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की शुरुआत की? पहले तो मैम मैंने सेल्फ स्टडी की थी कुछ दिनों। फिर मुझे समझ में आया कि सेल्फ स्टडी से कुछ भी नहीं होगा, इतना वास्ट सिलेबस और इतना कुछ मैं समय में खत्म नहीं कर पाऊंगी। तब मैं एक प्लेटफॉर्म में गई थी और उसमें मैंने बहुत सारा स्टडी मटेरियल मुझे मिला और मैंने स्टडी किया। उसमें टेस्ट भी था, वो भी मैंने ऑप्ट किया। ऐसे ही मैंने स्टडी किया और मेरा जो एक टिप्स है वो है स्टडी प्रैक्टिस एंड रिकॉल। मैं मेरा जो शेड्यूल था दिन में, वो जो इफ मैंने 8 आवर स्टडी किया तो मैं 4 आवर्स स्टडी की और टू टू करके रिकॉल और प्रैक्टिस में डिवाइड किया। ऐसे मैं हर रोज ये करता रहा और CSIR की 1 मंथ पहले मतलब नवंबर से मैंने पूरा ही पूरा रिवीजन और रिकॉल और PYQ प्रैक्टिस में ये किया मुझको।
उसके बाद ही मतलब यही मेरा स्ट्रेटेजी है कि सिर्फ पढ़ो और कुछ नहीं। जितना सुशीला, ज्यादा होता है कि कॉन्सेप्ट की जो डीप है वो डीपर लेवल पर जाओ और कंफ्यूजन को दूर करो। तो पूरे दिन पढ़ते ही थे या फिर उसके अलावा आप कुछ और एक्टिविटी वगैरह भी करते थे, क्योंकि आपकी एमएससी थी नहीं, राइट? आई लव सिंगिंग, सो जब मुझे मौका मिलती थी तब मैं सिंगिंग करती थी और मम्मी को थोड़ा हाउस होल्ड जो काम है उसमें हेल्प करती थी, ऐसे ही करती थी। क्योंकि मेन पर बाहर जाना आपका पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जो इतना पढ़ाई था कब टाइम निकालूंगी, इसलिए ये सब करती थी। तो आप घूमने निकलोगे आप, क्योंकि अब फाइनली सीएसआई निकल गया है, तो अब तो सीधा रिसर्च करने जाने के लिए निकलोगे और फिर घूमोगे आराम से, ताकि आप अब थोड़ा एंजॉय करना शुरू करोगे लाइफ, बिकॉज 9 months आपने इतने अच्छे से प्रिपरेशन किया, उसका आपको पूरा फल मिल रहा है. वेरी नाइस. तो आप ये बता सकते हैं श्रीजाता, आपने कितनी यूनिट्स प्रिपेयर की थी? मैम, मैंने 10 यूनिट्स प्रिपेयर की थी और बाकी जो 3 यूनिट्स है उसका इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स प्रिपेयर की थी। पूरा नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए। 3 महीने में ये सब कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो ऐसी कौन सी 3 यूनिट्स थी जो आपने छोड़ी थी या फिर जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा थी? वो यूनिट 7 एनिमल फिजियो, यूनिट 9 जो डाइवर्सिटी वाला और यूनिट 12 अप्लाइड, वो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था और बाकी सब अच्छे से पढ़ा था। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही मुझे जवाब दे रहे हैं कि मैम इस बार जो हमने छोड़ा था यही 3 यूनिट छोड़ी थी, यूनिट 7, यूनिट 9 एंड यूनिट 12. यही ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है फिलहाल छोड़ रहे हैं सीएसआईआर के. इसका कोई स्पेसिफिक रीजन कि क्यों ये यूनिट छोड़ रहे हो? मैम, मुझे मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है मैम, एनिमल फिजियो तो बहुत ही वास्ट है और उसमें से ना बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आ रहा है कि थोड़ा डिफिकल्ट और कॉन्फ्यूजिंग भी आता है, और डाइवर्सिटी तो इतना वास्ट है, मुझे तो बहुत डर ही लगता है इतना साइंटिफिक नेम और इतना कुछ। मतलब मैं मेमोराइजेशन में बहुत ही पुअर हूँ मैम, जो मेमोराइजिंग थिंग है उसमें मैं कभी नहीं जाती, और अप्लाइड मतलब मैम अप्लाइड का कुछ ज्यादा नोट्स नहीं था मेरे पास, जो कुछ कुछ था उसी उसी से मैंने प्रिपेयर किया, यही जो रीजन है छोड़ने का। सो इसके अलावा आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या जब आप मेरे साथ पढ़ रहे थे तो आपने नोट्स वगैरह बनाए थे, खुद के नोट्स की प्रिपरेशन की थी आपने? नहीं मैम, मैंने आप जो हैंड जो ड्रॉ नोट्स बनाते थे मैं उसको फॉलो करती थी, और मतलब जब मैं रिकॉल करती थी तब मैं खुद ही वो कॉपी में लिखती थी और आपसे टैली करती थी कि मिल रहा है कि नहीं, कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसे ही किया। खुद से नोट्स नहीं बनाया क्योंकि 6 मंथ्स में तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि सब कुछ बनाऊ, वो टाइम वेस्ट ही है मेरे लिए, सो आपसे ही मैंने सब कुछ किया। 6 months में ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि एक तो टाइम कम है, ऊपर से इतनी सारी यूनिट्स है, सब कुछ मैनेज भी करना है, तो वो सब कुछ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. आप कोई स्टैंडर्ड बुक्स रेफर की थी आपने इस दौरान? मैम, मैंने जब एमएससी में था मैंने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी थी, बट सीएसआर के प्रिपरेशन के समय टाइम में मैं ज्यादा नहीं पढ़ी थी स्टैंडर्ड बुक्स, मैं क्रिस्प नोट्स ही फॉलो किया था, पर उसमें थोड़ा डेप्थ में मैंने गई थी, वो नोट्स के ज्यादातर डेप्थ, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक में जब भी खुलती थी बैब मतलब इतना कुछ था उसमें, मतलब टाइम कहाँ से बीत जाता था, बस पढ़ाई कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने नोट्स ही फॉलो किया। नोट्स और पीवाईक्यू प्रैक्टिस ही मेरा मतलब ये मेरा बहुत काम आया, कि पीवाईक्यू जो था इच पीवाईक्यू का मैंने कंसेप्ट को याद रखा, आंसर नहीं, इच पीवाईक्यू का पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने याद कर लिया, लिख लिया कॉपी में, ऐसे ही किया। तो आपने जब पीवाईक्यू सॉल्व किए थे तो क्या एक ही बार सॉल्व किए थे या एक, जैसे डेव बायो के कोई पीवाईक्यू आपने 2-3 बार भी सॉल्व किए थे? हाँ मैम, मैंने 5 टाइम्स किया था इच पीवाईक्यू, और मम्मी से चेक भी कराया था कि मैं सर अच्छा कर रहा हूँ क्या नहीं, मतलब मेरे से तो चीटिंग हो सकता है, इसलिए मम्मी मेरी जो एग्जामिनर थी। अरे वाह, तो तुमने अपनी मम्मी को भी बिठा लिया कि साथ में आप भी बैठिए और आप भी मेरा टीचर बन के अच्छे से करिए. मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके से आपकी जो मदर है उन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया और इतना आपको हेल्प किया.
सो ये बहुत अच्छी बात है अगर फैमिली सपोर्टिव हो तो एक बहुत मोटिवेशन सा मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है जब हमारी फैमिली हमारे साथ हो। सो इसके अलावा जब आप पेपर दे रहे थे तो पेपर के टाइम पे आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? मैम, पहले तो मैं पार्ट सी किया था। आपने जैसे बोला था कि फर्स्ट 1 आवर पार्ट सी में लगाया था मैंने, और उसके बाद मुझे लगा कि बहुत टाइम जा रहा है तो पार्ट बी और सी ए में भी थोड़ा घूम के आ जाऊं, तो पार्ट बी और ए फिर कर लिया। उसके बाद फिर पार्ट सी में वापस आया और जो मेरा डाउटफुल क्वेश्चंस थे उसको डिलीट किया या अदर क्वेश्चन ऑप्ट किया, ऐसे किया। ओके, सो पार्ट सी, फिर पार्ट बी, फिर पार्ट ए। तो आप ये बता पाओगे कि आपने कितने क्वेश्चंस पार्ट सी में किए थे, कितने पार्ट बी में, पार्ट ए में, अगर आपको याद होगा तो? हाँ मैम, मैंने पार्ट सी में 25 ही किया था अच्छा, और पार्ट बी में मैंने 25 किया था ओके, और पार्ट ए में 6 किया था। सिक्स किए थे। और कितने करेक्ट हाँ हुए थे ये आपको याद है कुछ? हाँ पार्ट जो सी में मेरा 22 के करीब करेक्ट हुआ था और पार्ट बी में मेरा मार्क्स आया था 28। तो मैं याद नहीं आ रहा है मैम ठीक से, मेरा 25 के करीबी राइट हुआ था अच्छा, और पार्ट ए में मेरा 6 ही करेक्ट हुआ। मतलब मैंने ऐसा ही किया कि सही हो, बस बाकी सब छोड़ दिया। ओके, तो आपने ट्राई किया कि जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो एटलीस्ट उसमें ज्यादा से ज्यादा हाँ करेक्ट करो, यस ये चीज आपने ध्यान रखी। यस मैम यस। पार्ट ए में मैम मेरा टारगेट था कि मैं 10 मार्क्स उसमें से लाऊं और ज्यादा कुछ नहीं करूं नेगेटिव, सो मैंने 6 ही ट्राई किया इसलिए और करेक्ट हो गया। सो आप मैनेज कर पाए थे टाइम को अच्छे से? 3 घंटे में ऐसा लगा कि ये 3 घंटे कम तो नहीं पड़ रहे, आप अच्छे से मैनेज कर पाए थे उन 3 आर को? यस मैम, मैंने जो घर में मैंने जब किया था मैंने टाइमर लगा के 3 घंटे टाइमर ऐड करके मैंने किया था हर दिन हर पेपर को, जैसे आपने बोला था हमारे क्लास में, तो मैं उस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया इसीलिए मेरा टाइम मैनेजमेंट अच्छा था। मतलब मेरा उस टाइम में ही हो जा रहा था सब कुछ। अच्छा, तो आप मैंने तीन, बहुत बार प्रैक्टिस किया ऐसे टाइमर लगाकर। तो ऐसा लगा कि ये हेल्पफुल था जो आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये आपको लगा कहीं मैम हेल्पफुल? बहुत हेल्पफुल था, पूरा एग्जाम का जो एनवायरनमेंट होता है वो ही हुआ था घर में, कि पूरा टाइमर चल रहा है और मैं कर रही हूँ पूरा सेम। और कहीं ये ना एग्जाम में बहुत हेल्प किया क्योंकि एग्जाम में तो काफी नर्वसनेस होता है टाइम को लेकर, और तो टाइम के लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा था। कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि आपको किस तरीके से कितना टाइम देना है, आपका दिमाग उसी तरीके से चलने लग जाता है और प्रेशर भी थोड़ा कम हो हाँ जाता है कि लगता है कि यार ये तो कर ही रहे थे, ये क्या ही है, एक नई चीज ही तो है। तो ये एक हाँ रिदम यस सी बन मैम जाती है, हम कहते हैं हम ट्रेन करते हैं हमारे ब्रेन को उस तरीके से, तो हमारा ब्रेन ट्रेन होने लग जाता है। तो अब ये बताइए कि यस आप मैम। किस तरीके के स्टूडेंट थे जब आप अपने एमएससी में थे, तो आप किस तरीके का स्टूडेंट अपने आप को कहेंगे? मैम मैं मतलब मीडियम लेवल का ही स्टूडेंट थी, मतलब मैं 70% टू 80% मेरा रिजल्ट रहा था, तो इसलिए मतलब जब मैंने CSIR पढ़ना स्टार्ट किया तब मुझे फर्स्ट में थोड़ा टफ ही लगा था कि इतना कुछ है, और फिर जब मैंने न्यू में जब मैंने काफी टाइम से पढ़ना स्टार्ट किया और बार बार पढ़ा तब तब मुझे इजी लगा, आपको बहुत इजी तब लगे। मेरा हो गया मतलब। और मैं काफी डायग्राम्स भी बनाती थी कॉपी में ऐसे पढ़ा। सो आप एक दिन में कितने आवर्स डिवोट करते थे अपनी प्रिपरेशन के लिए, आप कितने आवर्स डिवोट करते थे श्रीजता? मैम जब मेरा क्लास रहता था प्लेटफॉर्म में तब तो 10 आवर्स मैं पढ़ती थी और जब जो छुट्टी के दिन होता था उसमें 12 आवर्स तक चला जाता था। चले जाता था, तो आप पढ़ लेते थे आराम से, मतलब मजा आता था आपको, मुझे ऐसा लग रहा हाँ मुझे है। बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में, मतलब मुझे पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता है। जो मैं पढ़ती हूँ मतलब स्टोरी बुक्स और पढ़ाई का बुक सब एक जैसा है मेरे लिए, मतलब मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। अरे वाह,
तो मतलब ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि जैसे अभी आपने कहा एक क्वेश्चन आपने काफी बार अटेम्प्ट किया है, काफी बार रिवीजन किया, तो ऐसा होता है कि एक ही चीज बार 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 जब हम रिवाइज करते हैं बोर होने लगता है। वो होता है ना क्या क्या है, एक ही चीज पढ़े जा रहे, एक ही चीज पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था? और अगर हुआ तो ओवरकम कैसे किया था आपने? मैम एक्चुअली मैं काफी ऐसे किया था, मतलब थोड़ा 5 दिन के लिए मैंने यूनिट 1 पढ़ा, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट 5 डेज में मैं अदर्स यूनिट किया, ऐसे जो बोर्ड टर्म होता है ना उसको मैंने अवॉइड किया। और जो मतलब PYQ मैं एक टाइम मैं 2018 का लिया और किया, और उसके बाद मैंने 2023 का लिया, ऐसे चेंज कर करके पढ़ती थी। तो चेंज कर करके पढ़ती एक थी। ऐसा नहीं होता था, मतलब जो सुबह का टाइम होता है वो मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, शाम के टाइम में मैं वो सेल सिग्नलिंग वाला किया, ऐसे करती थी। अच्छा, और टॉपिक मंथ का चेंज मेरा करके। एक वो ये था, टाइम टेबल था जिसमें मैं सेपरेट करती थी कि इस टाइम ऐसा करके, मतलब ऐसा, मतलब ईच मंथ मैंने थ्री थ्री यूनिट्स टारगेट किए और उसको खत्म किया, ऐसे किया। सो मतलब यूनिफॉर्मिटी ना आए तो आप उसके लिए अलग अलग यूनिट्स को ट्राई करते रहते थे, मिक्सअप करते रहते थे, सो दैट बोर ना हो। मतलब क्या डीएनए पढ़ रहे हैं, चलो अब कुछ और पढ़ते हैं, हाँ सो ऐसे स्विच होता रहे मूड। ओके, तो ये बात हाँ आपने अच्छी बताई कि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिपेयर कर रहा हो तो एक ही यूनिट को मत लेकर चले, दो तीन यूनिट्स को लेकर चल सकते हाँ हैं। और वैसे दो तीन यूनिट्स लेकर चलनी भी पड़ती है, 6 महीने है, 6 महीने में आपको लेकर चलनी ही हाँ पड़ेगी 2 से 3 यूनिट्स, नहीं तो काम नहीं बनेगा। इसके अलावा मैं मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है श्रीजता? अब मैं वायरोलॉजी और कैंसर इस दोनों फील्ड में मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, और अच्छे इंस्टीट्यूट में, क्योंकि अब तो मुझे फेलोशिप मिल गया है तो किसी भी इंस्टीट्यूट में अब अप्लाई कर सकती हूँ। इसीलिए यही मेरा अब गोल है कि कैंसर का कुछ नया ढूंढ निकालना, और वायरस का भी कुछ, मतलब ऐसे। मतलब रिसर्च लाइन में आपको जाना है ये आपने सोच ही रखा है, और वैसे भी आपका सपना, मतलब आपके जो फादर है उनका सपना है कि डॉक्टर हाँ लगना ही है, तो वो तो है ही आपका कि डॉक्टर तो लगा के ही रहना, आप कुछ भी हो कि डॉक्टर तो लगेगा ही। बहुत ही अच्छी बात है, ये सपना बहुत अच्छा है, मुझे उम्मीद है कि ये जल्द आपका पूरा हो जाए और डॉक्टर श्रीजता बहुत जल्द बन जाए। तो इसके अलावा श्रीजता, अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उनके साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ उनको बताना चाहें कि किस तरीके से वो मैनेज करे अपना टाइम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना टाइम मैनेजमेंट में इशू होता है, सबसे मेन रीजन वही होता है, तो टाइम कैसे मैनेज करे, कैसे रिवाइज करे, थोड़ा अगर आप उनको गाइडेंस दो। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोबाइल फोन है ना उसको लेकर पूरा साइलेंट मोड में देकर, और पूरा ऐसा रखना है कि कुछ आंखें उस पर नहीं जाए, फिर मतलब यही करना होगा फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट में तो मैम जो मतलब स्टडी करना है और अच्छे से, मतलब जिनको नहीं चाहिए कि स्टडी नहीं करना है ऐसे वो छोड़ दे। मतलब इस CSIR में अब जो क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत डेप्थ में जाकर हमें पढ़ना है, तो हमको ये सही ना लगे तो हमको छोड़ देना चाहिए। मतलब जिनको ये है गोल है कि हमें CSIR करना ही होगा, तो उसको अच्छे से करना है। मतलब विश वही रहना चाहिए मन में कि हमें पढ़ना ही है, मतलब कोई फोर्स करे वो पढ़े ये नहीं करना है। और रिवीजन मैम नोट्स को रिवीजन करना है, और मुझे लगता है कि रिकॉल का जो थियोरी है कि आंखें बंद करके जितना हमने पढ़ा है आज सारा दिन में, रात को जब हम सोने के लिए जाए तो उसके पहले आंखें बंद करके जो जो पढ़ा उसको एक बार मेमोराइज करो कि क्या क्या पढ़ा। ऐसे आप मेमोराइज नहीं कर पा रहे हो तो कॉपी में लिखो कि ये मैंने पढ़ा ऐसे। तो जब आपको जिस दिन में आपको सभी पॉइंट मतलब रिकॉल हो जाएगा, तो आप समझ लेना कि आपका स्टडी बहुत अच्छा है और आपका मतलब सिलेक्शन पक्का है। यही मैंने किया। और PYQ अच्छे से करना है, मतलब ईच कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, और ऐसे नहीं करना है कि जो बी ऑप्शन मुझे लग रहा है ठीक है उसका आंसर देखना और बी है तो मुझे सही हुआ, ऐसा नहीं। सब अच्छे से करना है, उसके बाद आंसर को चेक करना है कि क्या है, यही करना है। और
जो मतलब टुक्का जो हम बोलते हैं उसका वर्तन है, टुक्का नहीं करना है, जो आता है वो ही करो, नहीं आता है तो छोड़ दो। मतलब अटेम्प्ट क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से करो और समय लेकर करो कि ये ठीक राइट ही हो, मतलब रॉन्ग करने का कोई भी चांसेस नहीं है। अब CSIR में जैसे कट ऑफ हो रहा है हायर लेवल में, तो सही करना बहुत ही जरूरी है, कम क्वेश्चन करो पर सही करो, यही मेरा टिप्स है। जो अभी एग्जाम देने जा रहा है वो ऐसा फॉलो करे तो उनका पक्का सिलेक्शन होगा। डेफिनेटली एक बात मुझे आपने मुझे जो आपकी सुनी वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि बी ऑप्शन लग रहा है, अच्छा ठीक है लग तो रहा है पर आंसर देख लेते हैं, अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये एक बहुत हाँ प्लीज करते हैं स्टूडेंट की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा, पर वो नहीं होता, वैसे नहीं होता। पहले पढ़िए अच्छे से उसके बाद ही क्वेश्चन करने बैठिए, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है उससे। CSIR आपको फाइनल आंसर की बाद में ही देगा, एग्जाम के टाइम पे नहीं देगा आंसर की, तो उससे मतलब हाँ नहीं तो है। उसमें क्या होता है मैम, दोनों जो ऑप्शन होता है करीब उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आप वैसे करते हो तो प्रिपरेशन के टाइम पूरा मतलब ट्रूथ के साथ करना है कि नो चीटिंग एंड अच्छे से करो। अपने साथ जो है बिल्कुल सच्चे रहो, अपने साथ जो है बिल्कुल सच्चे रहो, सच्चे हाँ रहो, बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल सही बात श्रीजाता आपने बोली है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा श्रीजाता, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर PhD एंड फ्यूचर, जो भी आप करना चाहते हैं आप जीवन में, जिस तरीके से आपने CSIR अचीव किया उसी तरीके से आप बहुत अच्छे से अचीव कर पाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट श्रीजाता। थैंक यू मैम, इसके बाद जो मेरा होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी, और आपसे मेरा ब्लेसिंग्स भी चाहिए कि आप मुझे बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स दो कि मैं मेरी काम में कामयाब हूँ। डेफिनेटली श्रीजाता, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, बाय।